हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ट्रेडिशनल वेडिंग गेस्ट मेकअप ट्यूटोरियल। आप साड़ी के साथ किस तरह से मेकअप कर सकते हैं। ब्लैक एंड ऑरेंज कलर की मैंने यहाँ साड़ी वियर की है। आप किसी भी साड़ी पे इस लुक को क्रिएट कर सकते हो, आई मेकअप चेंज कर सकते हो। सो चलिए देख लेते हैं मैंने इस ब्यूटीफुल से लुक को कैसे क्रिएट किया है स्टेप बाई स्टेप। तो गाइस, यहाँ सबसे पहले मैंने अपने फेस पर अप्लाई किया है टोनर। उसके लिए मैंने गुड वाइब्स का विटामिन सी टोनर अप्लाई कर लिया है, स्प्रे कर लिया अच्छे से अपने पूरे फेस पर एंड नेक पर भी अप्लाई किया है। देन मॉइस्चराइजर अप्लाई करूंगी जॉय का, ये काफी अच्छा फ्रूट मॉइस्चराइजर क्रीम है। इसको मैंने अपने पूरे फेस पर एंड नेक पर भी अप्लाई किया है, काफी अच्छा मॉइस्चराइजर, काफी अच्छे से आपके फेस को मॉइस्चराइज करता है। देन प्राइमर के लिए यहाँ मैं ले रही हूँ NYB का प्राइमर है, सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, और इसको अपने फिंगर पे रब करके कुछ इस टाइप से अपने टी जोन एरिया पर अप्लाई किया है। सो यहाँ हमारे पोर्स काफ़ी ज़्यादा ओपन होते हैं तो उनको काफ़ी अच्छे से ब्लर आउट करता है प्राइमर। देन फाउंडेशन के लिए हमें पिक कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का, ये HD फाउंडेशन है, हाई कवरेज फाउंडेशन, और ये पम्प के साथ आता है। इसके मैंने बैक ऑफ हैंड पे कुछ इस टाइप से पम्प, इसके 3-4 पम्प निकाल लिए हैं। देन डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लिया है कुछ इस टाइप से। ये आपको देखने में थोड़ा सा वाइट लग रहा होगा बट ये ब्लेंड करने के बाद इसकी कवरेज इतनी ज़्यादा हाई नहीं है बिल्कुल भी, इसका नाम ही हाई कवरेज है बट इसकी कवरेज बहुत ज़्यादा शेयर टू मीडियम है, शेयर ही कहेंगे। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा इसकी कवरेज है, कैसी कवरेज है इसकी ब्लेंड करने के बाद, और ये थोड़ा सा ग्लोसी सा है, शाइनी सा है, और ब्लेंड करने में थोड़ा सा ये टाइम लेता है। सो इसको मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। ये NYB का ब्यूटी ब्लेंडर है। देन कंसीलर के लिए मैं अगेन यहाँ ले रही हूँ सिस ब्यूटी का कंसीलर है, और ये कंसीलर बहुत ही ज़्यादा पसंद है मुझे, काफ़ी अच्छा कंसीलर है। इसमें मेरा शेड जो है वो सेंसिबल है, और इसको मैंने अप्लाई कर लिया अपनी अंडर आई में, बजोती नोज पर, अपनी आईलेट पे अप्लाई किया एज ए बेस, और इसको मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अप्लाई कर ले रही हूँ, ब्लेंड कर ले रही हूँ। इसकी कवरेज काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मैट कंसीलर फुल कवरेज प्रोवाइड करता है आपको, एंड जस्ट आपको अंडर 200 रुपीज़ में ही मिल जाता है ये वाला कंसीलर। अपनी आईब्रोज का मैं फिल इन करूंगी वेट एंड वाइल्ड की आईब्रो किट की हेल्प से। इसमें एंगुलर ब्रश आता है, उसी की हेल्प से मैं अपनी आईब्रोज को फिल इन कर लूंगी। काफ़ी अच्छी पैलेट है गाइस, मैं हाईली रिकमेंड करूंगी, एंड वाटरप्रूफ की आईब्रो किट है। इसमें आपको एक एप्लीकेटर भी मिलता है अपने जो एक्स्ट्रा हेयर्स होते हैं उनको निकालने के लिए। देन इसके दूसरी साइड स्पूली होती है, उसकी हेल्प से कॉम कर लूंगी मैं। और यहाँ कॉन्टोर करियो क्रीम कॉन्टोर के लिए मैंने यहाँ NYB की स्टिक ली है, ये कॉन्टोर स्टिक है, और इसको मैंने अपने अप्लाई कर लिया अपनी बजुकती नोज पर, चीक्स पे, अपने चीक्स को कंट्रोल करूँगी अपने, एंड जॉ लाइन को, फोरहेड को भी कंट्रोल करूँगी, और इसको सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। बहुत ही ब्यूटीफुली ये ब्लेंड होता है, आप देख सकते हो क्रीमी प्रोडक्ट है, काफ़ी अच्छा से ये ब्लेंड होता है। देन इन सबको मैं सेट करूँगी पर्पल के कॉम्पैक्ट की हेल्प से। इसको मैं अप्लाई कर ले रही हूँ एक ब्रश की हेल्प से, काफ़ी अच्छा कॉम्पैक्ट है ये, और ऑलमोस्ट ये फिनिश होने को आया है, और बहुत थोड़ा सा ही रहा है इसमें, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है ये वाला कॉम्पैक्ट। सो उसको मैं अप्लाई कर लूँगी अच्छे से अपनी पूरे फेस पर एंड नेक पर भी अप्लाई करूँगी। आई मेकअप के लिए हमें ये हेटेड विद लव आई शेडो पैलेट है, जो इन वाले शेड्स को पिक करके आई मेकअप क्रिएट करूंगी। सो सबसे पहले मैंने ट्रांजिशन लाइन में अप्लाई किया है ये डार्क ब्राउन शेड, इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश है, ये रियल टेक्निक का ब्रश है, इसकी हेल्प से मैं ब्लेंड कर रही हूँ अपनी क्रीज लाइन में, क्रीज लाइन से थोड़ा सा ऊपर ट्रांजिशन लाइन में इसको अप्लाई कर ले रही हूँ। देन अपने आउट ऑफ वी पे मैं ब्लैक कलर का आई शेडो ले रही हूँ एक डिटेलर ब्रश की हेल्प से, पहले थोड़ा पिक कर रही हूँ उसको, डिपॉजिट कर रही हूँ, देन इसको मैं धीरे धीरे ब्लेंड कर रही हूँ। एक साथ आपको कलर पिक नहीं करना है, बहुत धीरे धीरे आपको कलर पिक करना है, डिपॉजिट करना है, देन धीरे धीरे ब्लेंड करना है इसको। अभी यहाँ मैं हाफ कट क्रीज कर रही हूँ सेम कंसीलर की हेल्प से, क्रीज को क्लीन कर लूँगी ताकि हम जो भी आई शेडो उस पर अप्लाई करें वो अच्छे से पॉप अप होकर दिखें। सो उस पर मैं अप्लाई कर ले रही हूँ थोड़ा सा ये ऑरेंज एंड गोल्डन का मिक्स शेड है, शिमर शेड है, इसको मैं अप्लाई कर ले रही हूँ फ्लैट ब्रश की हेल्प से, देन फिंगर की हेल्प से ब्लेंड करूँगी। और अभी यहाँ मैंने एक ग्लिटर आई शेडो पैलेट लिया है, ग्लैम 21 की है, इसमें से मैंने ऑरेंज कलर का ग्लिटर लिया है, इसको टॉप अप कर दूँगी मैं शिमर शेड के ऊपर मिडिल में कुछ इस टाइप से फिंगर की हेल्प से, काफ़ी अच्छे ग्लिटर्स हैं और बहुत ही अच्छे से पिक होते हैं, अप्लाई होते हैं,
देन लाइनर के लिए मैं अप्लाई करूँ NYB का लाइनर है, इससे मैं बहुत ही सिंपल सा एक विंग लाइनर अप्लाई करूँगी थिन सा। ब्लश एंड कॉन्टोर के लिए मैंने क्लेमी कॉस्मेटिक की पैलेट ली है, इसमें से कॉन्टोर वाला शेड पिक करके अपने चीक्स को मैं पाउडर कॉन्टोर करूँगी, ब्रॉन्ज करूँगी अपने फेस को, अपने चीक बोन्स को, अपनी जॉ लाइन को एंड नोज को एंड साथ ही अपने फोरहेड को भी कॉन्टोर करूँगी। देन बेकिंग के लिए मैंने यहाँ बनाना पाउडर अप्लाई किया है मार्स का, इसको मैं अपने अंडर आई में अप्लाई कर रही हूँ एंड अपनी जॉ लाइन से ऊपर क्लीन कर रही हूँ ताकि हमारा जो कॉन्टोर है वो बहुत ज़्यादा शार्प लगे। देन मैं इसको डस्ट ऑफ कर दूँगी थोड़ा सा ब्लेंड करने के बाद। सेम पैलेट में से ये वाला ब्लश वाला शेड पिक करूंगी, ये कोरल कलर का शेड है, इसको मैं अपने एप्पल ऑफ चीक्स पे अप्लाई कर ले रही हूँ। बहुत ही प्रिटी सा शेड है गाइज, ये बहुत ही अमेजिंग वाली पैलेट है। सो अच्छे से अप्लाई कर लूंगी थोड़ा बहुत अपने नोज पर एंड अपने चिन पे भी अप्लाई करूंगी ब्लश को। काजल के लिए हाँ मैंने पिक किया है, ये पर्पल का काजल है और इसकी हेल्प से अपने मैं वाटर लाइन में अप्लाई कर लूंगी काजल को। काफ़ी अच्छा काजल है, वाटर प्रूफ है ये। देन अपनी लोअर लैश लाइन पर वही मैं ब्राउन एंड ब्लैक कलर को मिक्स करके स्मज करूंगी काजल के साथ। देन अपने मेकअप को मैं सेट कर लूंगी, ये है NYB का मेकअप फिक्सर, इसकी हेल्प से सेट कर लूंगी मेकअप को अपने। हाइलाइटर के लिए मैंने यहाँ पिक किया है ये सिवाना का शिमर ब्रिक है, 04 शेड है और इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ एक ब्रश की हेल्प से अपने चीक बोन्स पे, बुजुर्ग नोज पे, फोरहेड पे, क्यूपिड्स को एंड चिन पे। सेम हाइलाइटर से अपने ब्राउ बोन को भी हाईलाइट करूंगी एंड अपने इनर कॉर्नर्स को भी हाईलाइट करूंगी इसी हाइलाइटर की हेल्प से। मस्कारा के लिए हमें अप्लाई करी हुई मेबलिन का कोलोसल मस्कारा है और इसको मैं अप्लाई कर लूंगी अपने अपर लैशेस एंड लोअर लैशेस दोनों पर अप्लाई करूंगी अच्छे से। सो अभी मैंने ग्लिटर आईलाइनर लिया था, ये हिलारी रोडा का था गोल्डन कलर का, इसको मैं अपनी क्रीज लाइन में कुछ इस टाइप से अप्लाई कर रही हूँ एक शार्प लुक के लिए। लिपस्टिक के लिए हमने मैट लुक की लिपस्टिक ली है, लिक्विड लिपस्टिक, शेड मेरा 1 है, बहुत ही प्रिटी सा ये बर्न ऑरेंज कलर है, इसको मैंने अप्लाई कर लिया है, बहुत ही प्रिटी सा शेड है गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, मैंने इसको ऑफलाइन परचेज किया हुआ है। मैट लुक की लिपस्टिक है और इसको मैं अप्लाई कर लूँगी गाइस। आज का लुक मेरा जो है कंप्लीट हो गया है यहाँ पर, आई होप आज का लुक आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिएगा, आप शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।